गोधरा कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2002 में गोधरा ट्रेन को जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को दी जमानत। यह व्यक्ति 16 साल जेल की सजा काट चुका है। अदालत ने यह जमानत उसे यही देखते हुए दी कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में बंद थे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया दर्पण। एस जयशंकर ने कहा कि ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी करने वाले देश जिसने अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया हो, वो संयुक्त राष्ट्र जैसे शक्तिशाली मंच पर उपदेश देने के काबिल नहीं है। एलपीजी लीकेज के कारण यूपी के हमीरपुर में हुआ बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राज कस्बे में बुधवार देर रात एक विवाह स्थल पर एलपीजी लीकेज के कारण लगी भयंकर आग में 22 लोगों के झुलसने की खबर है। गंभीर रूप से झुलसे 8 लोगों को उरई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कन्नौज में भाजपा विधायक के करीबी पूर्व प्रधान की हत्या। छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे का करीबी है पूर्व प्रधान अरुण शाक्य। चुनावी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका। तालग्राम थाने के निरुइया गांव का मामला। हत्या की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंची छिबरामऊ विधायक, बोली हत्यारों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। यूपी पुलिस के 21,295 सिपाही बनेंगे हेड कांस्टेबल। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने डीजीपी मुख्यालय को सौंपी सूची। डीजीपी के अनुमोदन के बाद जिलों को भेजी जाएगी सूची। यूपी पुलिस के 21,777 सिपाही प्रमोशन की रेस में थे। 21,295 सिपाहियों के प्रमोशन को दी गई हरी झंडी। कब्जा करने एवं टिकने के इरादे से त्वांग में घुसे थे चीनी सैनिक। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर के पास यांगस्ते इलाके में चीनी सैनिकों की भारतीय जवानों से हुई झड़प के दौरान घुसपैठ में शामिल चीनी सैनिक स्लीपिंग बैग व अन्य उपकरण छोड़कर भागे थे। 300 से अधिक चीनी सैनिक 17,000 की ऊंची चोटी तक पहुंचे ने और उस पर कब्जा करने के फिराक में थे, लेकिन भारतीय सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के सैनिकों को चोटें आई थी। झड़प के बाद दोनों पक्ष तुरंत इलाके से हट गए। मुख्तार अंसारी पर हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा के साथ लगाया 5 लाख का जुर्माना। जेल में बंद उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल की सजा सुनाई, साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। पुलिस प्रशासन की लापरवाही से धड़ल्ले से जारी है जहरीली शराब का धंधा। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 40 मरे। सारण के जिन क्षेत्रों में ज्यादा मौतें हुई हैं, वहां पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आ रही है। इससे पहले भी इन्हीं इलाकों में 4 महीने पहले भी देसी शराब पीने से 18 लोगों की मौत हुई थी और अभी तक उस कांड के आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। जहरीली शराब का काला धंधा धड़ल्ले से चालू है। जहरीली शराब कारोबारियों के हौसले आज भी बुलंद है, इसी वजह से एक बार फिर लोगों की जाने गयी। राजस्थान में कहां से आ रहा है मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। उदयपुर में बिक रही मेड इन पाकिस्तान टॉफी, इस टॉफी के पैकेट पर बीफ जिलेटिन भी लिखा हुआ है। लोगों की शिकायत पर हरकत में आया फूड डिपार्टमेंट। फूड इंस्पेक्टर की टीम ने दिल्ली गेट स्थित दुकान पर छापा मारकर टॉफी के पैकेट के किए जब्त। डिपार्टमेंट ने जांच के लिए सैंपल लैब में भेजा। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि ये मेड इन पाकिस्तान टॉफी और ऐसे प्रोडक्ट शहर में कई दुकानों पर सप्लाई किए जा रहे हैं। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की कोर्ट से दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी की कोर्ट से दाखिल याचिका को बुधवार को वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, पूर्व राज्यपाल एवं सरकारी वकील
दोनों की आपसी सहमति के बाद याचिका वापस ले ली गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जब तक विवेचना में पूर्व राज्यपाल के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलता तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता हुआ साफ पर कुछ अड़चनें अभी बरकरार हैं। नीरव मोदी के पास अब ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील का आखिरी मौका भी खो दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि नीरव मोदी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में जाकर अपील कर सकता है। ऐसे में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ जरूर हुआ है। इसके बावजूद भी कई और अड़चनें हैं जिनसे पार पाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के स्लम क्षेत्र में लगी भीषण आग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के स्लम क्षेत्र में लगी भीषण आग की घटना में 50 घर जलकर हुए खाक। घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची प्रशासन की एक टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। घटना हावड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 में हुई है। इस हादसे में लोगों की लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कर्नाटक सरकार के मंत्री ने रामलला को भेंट की चांदी की ईंट। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में देश और दुनिया भर के श्रद्धालु इसमें सहयोग कर रहे हैं। कर्नाटक के रामनगर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सी एन अश्वत्थ नारायण 150 लोगों के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला को समर्पित की चांदी की ईंट। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने रखा अपना पक्ष। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, पूरा परिसर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र है। दीन मोहम्मद केस में केवल गुम्बदों के नीचे नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है, मालिकाना हक नहीं दिया गया है। वक्फ एक्ट में मुस्लिमों के बीच विवाद की सुनवाई हो सकती है, हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद की सुनवाई का अधिकार वक्फ अधिकरण को नहीं है। झारखंड सरकार ने ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका दायर की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर जल्द सुनवाई के लिए मेंशन की तिथि याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 20 जनवरी का दिन निर्धारित किया है। ईरान संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार से हुआ बाहर। संयुक्त राष्ट्र में बुधवार को ईरान पर हुई बड़ी कार्रवाई। ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार निकाय से बाहर कर दिया गया है। यूएन में अमेरिका के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 29 सदस्यों ने ईरान को 2022 से 2026 टर्म के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार निकाय से बाहर करने के पक्ष में वोटिंग की। आज देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 16 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ज्यादातर देशों ने ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार निकाय से बाहर हटाने के पक्ष में वोटिंग की। ब्रुसेल्स की सड़कों पर आगजनी मोरक्को फैंस नहीं बर्दाश्त कर पाए हार। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में मोरक्को को हराकर फ्रांस ने लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। मोरक्को फैंस ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और सड़कों पर उतर कर किया प्रदर्शन। हालांकि इस प्रदर्शन में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस जीत के बाद फाइनल में पहुंची फ्रांस की टीम का सामना अब अर्जेंटीना से होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को होगा। पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने पर उग्र प्रदर्शन। रक्षा मंत्री द्वारा महाभियोग लाकर 7 दिसंबर को पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश में आम चुनाव कराने की मांग को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हिंसक प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की हुई मौत। उग्र प्रदर्शन और सड़क अवरोधों के बीच पेरू सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। यूक्रेन नागरिकों के जान की कीमत पर रूस से तेल खरीद रहा है भारत, दिमित्रो कुलेबा। G7 देशों और उनके सहयोगियों की ओर से रूस के तेल प्राइस कैप का समर्थन न करने के फैसले के बावजूद रूस से तेल खरीदने पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भारत पर यूक्रेन के आम नागरिकों की जान की कीमत के बदले रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाया है।
गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और चीन युआन में व्यापार करने पर कर रहे हैं विचार। अमेरिकन डॉलर का वर्चस्व खत्म होने की कगार पर है। दुनिया की रिजर्व करेंसी के मुकाबले दूसरी करेंसियों में भी आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से रुपए समेत विश्व की कई मुद्राएं दबाव में आ चुकी हैं, लेकिन कुछ दिन से दुनिया की रिजर्व करेंसी के मुकाबले दूसरी करेंसियों में भी तेजी बढ़ रही है। यूरो, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और सबसे महत्वपूर्ण रूप से चीनी युआन पुरानी स्थिति में वापस आ गए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।